हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपनी फेवरेट हलवे की रेसिपी, मेरे मम्मी के हाथों से बना हुआ खसखस का हलवा। मैं जब भी अपने मायके आती हूँ तो मम्मी मुझे ये हलवा बनाकर जरूर खिलाती है। चलिए आज मम्मी से ही जानते हैं खसखस के हलवे की रेसिपी। तो मैं आ गई हूँ मम्मी के किचन में और ये मेरी मम्मी है और आज भी नमस्ते। और आज मैं मम्मी से ही जानते हैं हम लोग खसखस के हलवे की रेसिपी। चलिए देखते हैं। बताइए मम्मी कैसे बनाना है। हाँ, ये तो आपने रात में भिगो के रखा था। भिगो के रखा था। यहाँ पर मम्मी ने लिया है 250 ग्राम खसखस यानी पोस्ता दाना और इसे 2 से 3 बार अच्छे से वॉश करके छन्नी में छान लिया और फिर एक बोल में ट्रांसफर करके उसमें थोड़ा सा पानी डालकर ओवरनाइट सोक कर दिया। अब आगे देखते हैं इसकी रेसिपी। पीस देना है। अच्छा, सारा इसका सारा डालकर पानी के साथ डालना है या पानी निकाल कर? पानी के साथ ही डालना है। अच्छा, और कम होगा तो पानी फिर से भी डाल सकते हैं ऊपर से। इसको सारा पीस कर हम पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बना लेंगे उसके बाद। ठीक है, पहले पेस्ट बना, पहले इसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं। ओके, अच्छा अब ये पेस्ट बनकर रेडी हो गया है। अब क्या करेंगे हम लोग? कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसमें घी डालेंगे। घी कितना आपने लिया है? घी 100 ग्राम के लगभग होगा। अच्छा, घी 100 ग्राम। हाँ। यानी कि 250 ग्राम पोस्ता दाना में 100 ग्राम घी। 100 ग्राम घी। अच्छा ठीक है। घी को मेल्ट होने देंगे उसके बाद इसको डालेंगे। ये पेस्ट को इसमें मम्मी ने ट्रांसफर कर दिया। अब इसमें इसको कब तक भूनना होगा हमें? इसमें लाल भूनना पड़ेगा एकदम, जब तक गोल्डन ब्राउन हो जाए। गोल्डन। जब तक घी में पोस्ता डालने के यानी खसखस के पेस्ट को डालने के बाद जब तक लाइट ब्राउन हो जाए तब तक हमें इसे भूनना है। और गैस की फ्लेम कितनी रहेगी? मीडियम फ्लेम पर हमें इसे भूनना होगा। और ये मेरी छोटी बहन, ये गैंगटॉक में रहती है और हम लोग ने काफ़ी इंजॉय किया और बहुत अच्छी अच्छी डिशेज मम्मी ने बनाए खाए। और सबसे अच्छी तो मेरी फेवरेट है खसखस के हलवा, तो वो तो मैं 2-3 बार खा चुकी। ये मेरी भी फेवरेट है और हाँ, सब सबकी फेवरेट है खसखस के हलवा। आज मम्मी फिर से बना रही थी तो मैंने सोचा ये रेसिपी आप लोगों से भी मैं शेयर करूँ, इसलिए मैं आज इसकी वीडियो आपको दिखा रही हूँ। मम्मी, इसको भूनने में कितना टाइम लगेगा? और 20 मिनट। अच्छा, मतलब हलवे को भुनने में करीब 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। हाँ, मम्मी से लगातार मीडियम फ्लेम पर ही भुनना है? नहीं, बीच बीच में हाई भी कर सकते हैं और हाई बीच बीच में मीडियम करके इसको भुनना है। अच्छा, मतलब कभी मीडियम फ्लेम पर और कभी कभी हाई फ्लेम पर, ऐसे करते करते 20 से 25 मिनट हमें भुनना है। हाँ, 20 से 25 मिनट। अब ये भुन गया। अच्छा, ये गोल्डन ब्राउन हो गया। हाँ, है इसे। हाँ, पक्का मतलब पूरा क्या टाइम इसमें कितना लगा? करीब 25 मिनट। हाँ, 25 मिनट। तो हलवे को भुनने में पूरा 25 मिनट लग गए हैं। अब इसके बाद क्या करना है? चीनी। अच्छा, अब डबारी यानी कि मीठा डालना है। हाँ, मीठा। इसमें कितना चीनी पड़ा? 100 ग्राम। 100 ग्राम चीनी और दूध और 250 ग्राम घी। 100 ग्राम चीनी और 250 ग्राम दूध एक साथ डाल के उसके बाद भून के उतार लेना है। अच्छा, जब तक घी छोड़े तब तक हमें भूनना है। हाँ, उसके बाद उतार लेना। तो इस समय गैस की फ्लेम हम कितनी रखेंगे? गैस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। मीडियम ही रखेंगे। हाँ। और जैसा कि आप जानते हैं पोस्ता दाना बहुत ही हेल्थ के लिए अच्छा होता है और खासकर सर्दियों में पोस्ता दाना बहुत ही फायदेमंद होता है। इससे टेस्ट तो अच्छा लगता ही है और इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है। और आप सब जानते हैं आजकल हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की कितनी जरूरत है, तो आप भी इस हलवे को जरूर ट्राई कीजिएगा और खाइएगा। जनरली अक्सर सर्दियों में दूध में, गर्म दूध में पोस्ता दाना को रोज पीस कर फिर उसे पीते हैं, पर आप इसे एक बार बना लीजिए और इसे फ्रिज में रखकर कितने दिन यूज कर सकते हैं? एक हफ्ते तक फ्रिज में रखकर आप इसे 1 हफ्ते तक यूज कर सकते हैं। तो मम्मी, इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डालना होगा? अच्छा तो नहीं लगता है लेकिन अपना मन है तो डाल सकते हैं, लेकिन इसमें अच्छा नहीं लगता। अच्छा, इलायची भी नहीं पड़ेगा? नहीं, इलायची। हाँ, वैसे मुझे भी पसंद नहीं है इसमें ड्राई फ्रूट्स, ये बगैर ड्राई फ्रूट्स के ही बहुत टेस्टी लगता है और ये देखकर ही बहुत यम्मी लग रहा है, मुझे मन कर रहा है खाने का। अब हो चुका? हाँ, हो चुका। अच्छा, अब गैस बंद कर दे। अच्छा,
अब ये हलवा बनकर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे टेस्ट करें। तो ये मेरी बन गई फेवरेट खसखस के हलवा। बहुत ही टेस्टी लगा है, बहुत ही अच्छा बना है मम्मी। थैंक यू। मुझे भी टेस्ट कराओ। बिल्कुल खा के देखो। टेस्टी है ना? बहुत टेस्टी है। चलो ठीक है, आप भी ट्राई जरूर कीजिएगा पोस्तादाना के हलवा। तो आप भी बनाइए सर्दियों में ये खसखस का हलवा, और ये टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो।